फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन फ्राई। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ चिकन फ्राई के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे इसे, और ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। तो चलिए बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं अपन। हमने लिया है गरम मसाला, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, काजू का पेस्ट हमने लिया है, और ये है कस्तूरी मेथी, जीरा और तेजपत्ता, और जो कड़ी लिप्स हमने लिया है, और लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मीट मसाला, हरी मिर्च, धनिया, और ये चिकन आधे किलो हमने लिया है, 500 ग्राम चिकन लिया है। और चलिए अब गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई, और इसमें हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। आप इसकी जगह पे घी या बटर भी ले सकते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें जब डाल देंगे जीरा, तड़कने का वेट करेंगे, उसके बाद से इसमें तेज़पत्ता डाल दूँगी और लाल मिर्च डाल दूँगी मैं। उसके बाद एक कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसे भी मैं ऐड कर दूँगी और इसे फ्राई होने देंगे। उसके बाद से इसमें हम डाल देंगे एक लंबे पीस में कटा हुआ हरी मिर्च, तो इसको भी हम फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा कड़ी लिप्स इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने करी लीव्स लिया है, और इसे भी इसमें डाल के मैं इस तरीके से फ्राई करूँगी। और ये आप देख सकते हैं अच्छा सी एक ऑयल में फ्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ बारीक प्याज, ये दो ऑनियन हमने लिया है बड़े साइज़ के, और इसे इस तरीके से बारीक हमने कट कर लिया है। तो इसे भी इसमें फ्राई सॉफ्ट होने तक करेंगे। उसके बाद से इसके आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है, तो हमने अच्छा से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम एक बड़ा साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे, और इसे भी हम अच्छा से फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। आप देख सकते हैं ये हो चुका है। उसके बाद से इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल देंगे और इसे भी भूनेंगे। और आप देख सकते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने भून लिया है। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। ये आधे टेबल स्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये है मीट मसाला। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने लिया है आधे टेबल स्पून, और इसे भी हम अच्छा से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं इसे हम पकने तक इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पक चुका है, आप देख सकते हैं, और ये देखिए आप अच्छा से पक चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपने काजू का पेस्ट, और ये 7-8 काजू का हमने पेस्ट बनाया है, तो अब इसे भी हम भून लेंगे और अच्छा से भून के इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद से आप देख सकते हैं पक चुका है हमारा काजू का पेस्ट भी अच्छा से पक चुका है। इस काजू के पेस्ट की जगह पर आप दही भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं अपने आप देख सकते हैं पक चुका है, तो अब मैं अपने चिकन को ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो इस तरीके से हम सारे चिकन को डाल देंगे, और चिकन डालने के बाद इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। और मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद हम कम से कम इसे 17 से 18 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे, क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है, तो हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। और हमने आप देख सकते हैं मसाले को अच्छा से मिक्स कर लिया है चिकन के अंदर, और इसे हम ढक के आप ढक देंगे इसे, और ढक के इसे हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए ढक देती हूँ इसे, और अच्छा से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद से हम ढक दिए हैं इसे, और 15 मिनट बाद हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसके बाद मैं नमक ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और नमक के बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कस्तूरी मेथी। तो फ्रेंड्स, ये गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ और नमक डालने के बाद, उसके बाद कस्तूरी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ, और इसे हम चला लेंगे सबको, तीनों चीज़ को। नमक आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बाद में ऐड करती हूँ ताकि मुझे आइडिया पता चल जाता है कितना डालना है। तो आप देख सकते हैं गरम मसाला और कस्तूरी मेथी नमक ऐड करके हम इसे और 2 से 3 मिनट कुक करेंगे, और तो ढक के मैं कुक कर रही हूँ। हो गया है 3 मिनट, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका ऑयल अलग हो चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा कड़ी लिप्स ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें हम कटी हरी मिर्च डाल देंगे, और उसके बाद से धनिया कटा हुआ बारीक ऐड कर देंगे और इसे चला देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है तीनों चीज़ को, और कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। तो अब इसे हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर,
और उसके बाद से हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। हमारा तैयार है और फ्राई चिकन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तैयार हुआ है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे और आप इसे चावल या रोटी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने सर्व कर लिया है और जो ये अपने घर पे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।